यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम दोबारा किसे खेलने वाले हैं, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में अपने पिकाचू को एज अ स्टार्टर चूज किया था और हमने बहुत से पोकेमोन भी कैच करे, जिनमें से फर्स्ट पोकेमोन था हमारा पिजी, सेकेंड मेटापोड एंड थर्ड सॉबल। और गाइस, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज करने वाले हैं। So, without wasting time, let's start this video. Guys, हम एंटर हो चुके हैं विरिडियन फॉरेस्ट में। तो जाते हैं हम सारे ट्रेनर से लड़ने और जल्द से जल्द हम ब्रॉक को चैलेंज करते हैं। हम यहाँ से नहीं, यहाँ से जाते हैं। ओके, हमने बहुत से ट्रेनर्स को लास्ट एपिसोड में डिफीट कर दिया था। और जब गाइज, जिसने भी मेरा लास्ट एपिसोड देखा है, जाके मेरे चैनल पर लास्ट एपिसोड देख लीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। यहाँ से जाएंगे। ओके ओके, तो गाइस, हमने इस ट्रेनर को डिफीट कर दिया है। इससे लड़ते समय हमारे पिकाचू ने डबल किक अटैक भी सीख लिया है। ओके, अब यहाँ से हम जाते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस, इसी के साथ हमने इसके बटरफ्ली को भी डिफीट कर दिया है। पीजी हमारा 11 लेवल का हो गया है, सॉबल भी 11 लेवल का हो गया है, हमने सेमी को हरा दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। बट सेकेंड, यहाँ पे प्रोफेसर रोग भी आएंगे फाइट करने के लिए, पर प्रोफेसर रोग गए कहाँ? वो मैं शायद से कोई काम की चीज़ देते। ओके, कुछ काम की चीज़ देने वाले थे क्या प्रोफेसर रोक? यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोस में ऐसा वॉच किया है कि मैंने यहाँ पे प्रोफेसर रोक हमसे फाइट करते हैं और शायद से वो हमें कुछ देंगे भी। ओके, यहाँ पे एक पोकेबॉल है, पोशन। ओके, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, शायद से नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, हम चलते हैं सीधा प्यूटर सिटी की ओर। हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं प्यूटर सिटी, लेट्स गो। फटाफट मैं अपने पोकेमोन की हील करवा के आता हूँ गाइस। मेरे पोकेमोन की हील हो चुकी है, अब हम इस सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देन हम जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज करेंगे। ये है जिम। ओके, ओ ये कौन, और पता नहीं कौन है ये, देखते हैं। ये शायद से हमें कुछ देने वाला है, कुंफू। ओके, हाँ ये हमें कुंफू पोकेमोन देने वाला है। ओके, इसे थंडरस्टॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फोकस एनर्जी गेटिंग पम्प्ड, टैकल करते हैं, टैकल एक और बार। ओके गाइस, अब इसे हम कैच करेंगे। मे बी हम इसे कैच, ओके नो मूव नहीं करना, कैच करना है प्लीज, कैच हो जा प्लीज। यस गाइस, हमने कुंफू को कैच कर लिया है। हमारे पिकाचू लेवल 10 पे, थंडर वेव। ओके, हमें एक मूव डिलीट करना होगा थंडर वेव के लिए, ये टेल वेव डिलीट कर देते हैं। ओके, टेल वेव फॉरगॉट, थंडर वेव लर्न। ओके, लेवल 12 पे ग्रू हो गया, सॉबल लेवल 12 पे ग्रू हो गया। वाटर पल्स सीखना चाह रहा है। यस, वाटर पल्स जरूर सिखाएंगे हम इसे। वाटर पल्स ग्राउल की जगह पर बाइंड, क्योंकि हम बहुत ही यूजफुल अटैक है जो हमें हमारे बहुत काम में आएगा इस वजह से। मेटापॉड 10 लेवल पे हो चुका है। नो कुंफू को कोई हम निकने, मेटापॉड इवॉल्व हो रहा है गाइस, वाओ जस्ट वाओ गाइस, मेटापॉड इज इवॉल्विंग। हमारा बटरफ्ली बन चुका है मेटापॉड, यस। चलो, इसने तो हमें बहुत काम की चीज दे दी, अब ये ओके। गाइस, मुझे प्रोफेसर ओक मिल चुके हैं, अब इट्स टाइम टू बैटल विद प्रोफेसर ओक। हेलो प्रोफेसर ओक, यस गाइस, मुझे बैटल करनी थी प्रोफेसर ओक से।
व्हाट गाइस, हमारे पास हमारा पिकाचू इज हमारा पिकाचू वेरी वीक है अभी। हम बहुत वीक है हमारा पिकाचू, क्योंकि उसकी हाफ हेल्थ है। मे भी ये डिफीट हो सकता है, पर जितना ये पिकाचू हमारा फाइट करेगा, हम उतना इससे फाइट करवाएंगे। ओके गाइस, देखते हैं कौन जीता है, प्रोफेसर हो गया फिर हम एश कैचम, कौन जीतता है। ओके, ग्राउल इस्तेमाल किया, अटैक फेल हो गया है। पिकाचू यूज थंडर शॉक, थंडर शॉक यूज करके हमने चार मेंढक को डिफीट कर दिया। ओके, अब बल्बसोर यूज करेंगे, तो बल्बसोर के लिए भी नहीं करेंगे हम यूज कोई भी पोकेमॉन। हमारे पिकाचू हराएगा सारे पोकेमॉन्स को। इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज करेंगे नहीं, यस तभी तो मैंने ये डबल किक यूज करी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रास टाइप पोकेमॉन है। एज यू ऑल नो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन पे इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। प्रोफेसर ओक के पास 3 पोकेमॉन्स थे ओनली। ओके गाइस, हमने प्रोफेसर ओक को डिफीट कर दिया। पहुंचते हैं सीधा प्यूटर सिटी। गाइस, हम पहुंच चुके हैं प्यूटर सिटी में, तो हम जाते हैं और जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज कर लिया। मैंने पोकेमॉन की हेल्थफुल भी करवा ली थी, देख लीजिए। हम पहले सोबल को स्विच करके लगाएंगे आगे, देन लगाएंगे हम बटरफ्ली। समरी नहीं देखनी हमें, कुंफू की भी, कुंफू का भी यूज पड़ सकता है। ओके, रॉक स्मैश से क्या होगा, फाउंड व्यू अंटिल अ न्यू बैच इज ऑब्टेंड। ओके, रॉक स्मैश एक बहुत ही अच्छा अटैक है, ऐसा इसमें है। ओके एनीवेज, हम जिम लीडर ब्रॉक को चेंज करते हैं। इसमें क्या है, आई कैन टेल यू व्हाट इट मेक्स। ओके, ये हमसे फाइट करेगा, पहले हम इससे फाइट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हमने इसे डिफीट कर दिया, अब इट्स टाइम टू चैलेंज ब्रॉक। चलो ब्रॉक को चैलेंज करते हैं। मैं हूँ एश प्यूटर, वो पैलेट टाउन से, मैं तुम्हें जिम बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। ओके, इसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। रायहॉन सेंड किया पहले। गाइस, हमें भी रायहॉन कैच करना है, उसे हम राइडॉन में विकसित करेंगे, क्योंकि राइडॉन रॉक टाइप में से मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे रायहॉन अपना पर्सनली फेवरेट लगता है। एंड ऑनिक्स, ऑनिक्स मुझे बहुत फेवरेट लगता है, इसी वजह से ऑनिक्स आ रहा है। अब तो ऑनिक्स के लिए हम सोबल यूज करेंगे, क्योंकि सोबल के पास एडवांटेज है। बट सेंस टॉम सोबल यूज वाटर पल्स। ओके गाइस, सोबल हमारा इसमें बहुत साथ दे रहा है, इन्हें अकेले ही 2 पोकेमॉन्स को डिफीट भी कर दिया है। गाइस, पीजी भी लेवल 14 का हो चुका है, पिकाची लेवल 12, बटरफ्ली लेवल 12, पॉइजन पाउडर इट्स ट्राइंग टू, बट वी कांट लर्न मोर देन डिलीट अ मूव टू मेक अ स्टन स्पोर। स्टन स्पोर हमें कंफ्यूजन के, कंफ्यूजन देखते हैं, कंफ्यूजन को हटा के स्टन स्पोर का यूज करके देखेंगे एक बार। स्लीप पाउडर, ओके स्लीप पाउडर इज वेरी यूजफुल मूव गाइस, जो हमें पोकमोन कैच करने में बहुत ही यूजफुल होगा, तो हम इसे जरूर लगाएंगे। क्लाउड इट में पॉइजन, पॉइजन का ज़्यादा यूज़ नहीं है पॉइजन पाउडर, क्योंकि हमें पॉइजन पाउडर यूज़ करना होगा, तो उससे क्या है कि पोकेमोन को ज़्यादा डैमेज होता है और हमें कैच करने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। इसी वजह से मैंने पॉइजन पाउडर को रिमूव कर दिया अपनी बटरफ्ली के अटैक्स में से। वाटर पल्स अगेन कि हम जियोडूट को अगेन हरा देते हैं। ओके गाइस, मैं बता दूं, जो लास्ट ट्रेनर था उसके पास था जियोडूट एंड रायहॉन, उन दोनों को पोकेमोन को मेरे सोबल ने 1-1 अटैक के हिट में हरा दिया। ओमेनाइट के लिए हम चेंज करेंगे पोकेमोन, कुंफू से लड़के देखते हैं। वो कुंफू ओमेनाइट द सैंडस्टॉर्म रेजेस, कुंफू इज बफ्ड बाय द सैंडस्टॉर्म। रॉक स्मैश यूज करके देखते हैं, डैमेज डैमेज इज गुड। नो, इसने विड्रॉल यूज कर लिया, विड्रॉल अटैक से शायद से हम एक ही मूव को बार बार यूज नहीं कर सकते। ओके, कर सकते हैं, वो एक अटैक है जिससे हम अपने पोकेमोन का वही अटैक लाइन में यूज नहीं कर सकते। एनीवेज, हम इसे डिफीट कर देते हैं। ये हमने, ओ नो गाइस, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई हमारे साथ, क्योंकि इसने सुपर पोशन का यूज करके अपने ओमेनाइट की फुल हेल्थ कर ली है। गाइस, वैसे एनिमे सीरीज में हमें ओमेनाइट की फुल हेल्थ देखने को नहीं मिली थी, पर जीवे वर्जन में है इसकी, कुछ लेवल 15 पे ग्री हो चुका है।
12 का गिर हो चुका है हमारा कुंफू एरियल एस। एरियल एस को हम जरूर सिखाएंगे क्योंकि एरियल एस इज वेरी यूजफुल। इससे लेयर हटा देते हैं, ओके लेयर लेयर, क्योंकि डैम हम डैमेज बेस्ड अटैक्स रखने वाले हैं ओनली, जिससे डैमेज हो। गाइस हमने जिम लीडर ब्रॉक को डिफीट कर दिया है बहुत ही इजी वे में। MT39 TM केस में रख दिया, अटैक दैट कैन बी टॉट टू पोकेमॉन। हमें हमने हमें इसने एक TM दिया है रॉक टॉम, स्किल ट्रेनिंग सेरुलियन जिम। सेरुलियन जिम जाते हैं, अब देखते हैं गाइस इसने हमें कौन सा बैच दिया है, जाके देखते हैं। ऐश ओके, इसने हमें दे दिया बोल्डर बैच, वेरी गुड, इसने हमें बोल्डर बैच दे दिया है गाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पोकेमॉन्स की हेल्थ फुल करते हैं, देन हम आगे के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ओके हमारे पास टोटल हो चुके हैं 5 पोकेमॉन्स, गुड। चलिए चलते हैं, इसमें पोकेमॉन इवॉल्व भी होते हैं पर अभी तक हमारा एक भी पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुआ है। 14 15 पता नहीं कब होंगे, देखते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे रूट नंबर 3 पे आ चुके हैं, ये बैटल करते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बैटल करते हैं। ग्लूम सॉबल यूज़ करते हैं, वो पाउंड यूज़ नहीं करना था मुझे पर क्या करें गलती से यूज़ हो गया। एनीवेज हम इसमें अब यूज़ करके देखते हैं वाटर पल्स, नॉट वेरी इफेक्टिव गाइस, इफेक्ट ही नहीं हुआ उस पर कुछ भी। हमें स्विच करना होगा सॉबल को, अब पिकाचू वो सॉबल की जगह शिफ्ट हो जाओ। ग्रोथ अटैक यूज़ कर रहा है ये बार बार, कोई भी डैमेज बेस्ड अटैक नहीं है इसके पास, स्पेशल अटैक है ओनली। थंडर शॉक यूज़ करके देखते हैं कितना डैमेज, नथिंग डैमेज। लूनार फोर्स नो गाइस, ये अटैक तो बहुत ही पावरफुल अटैक था। बटरफ्री से हमने एक भी बैटल नहीं लड़ी है, टैकल अटैक नहीं करना था मुझे इसमें गलती। लूनार फिर से हमारा बटरफ्री, ओके गाइस इसमें हम डिफीट होने वाले हैं बिल्कुल भी। पिजी यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्विक अटैक पिजी मुझे पहले यूज़ करना चाहिए था गाइस, इसने अपनी ग्रोथ कर करके पूरी हेल्थ फुल कर ली, सच में इसने पूरा अटैक अपना कर लिया। नो गाइस इस पर तो कोई अटैक ही वो नहीं हो रहा, कोई अटैक इस पर भारी पड़ रहा कोई भी अटैक। चलिए गाइस ग्लूम को तो हमने हरा दिया पर इसने हमारे बहुत पोकेमॉन डिफीट कर दिए। सॉबल को एक्सपी मिली ओनली, वी हैव नो पोकेमॉन टू चेंज। जिगली पफ नो गाइस, ये सबसे फोकस एनर्जी यूज करते हैं। गेटिंग पम्प्ड ओन नो गाइस, हमारा अटैक फेल चला गया। आइस पंच यूज करके देखते हैं कितना डैमेज आता है, डैमेज तो ठीक है। एक और आइस पंच, अब वो फ्रीज हो जाए बस। टू चार्म नो गाइस, इसने पता नहीं क्या अटैक कर दिया। ओके हमने डिफीट कर दिया है जिगलीपफ को भी, इसी के साथ हमने स्टेनर को भी डिफीट कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो हम पोकेमॉन की हेल्थ फुल करके आते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो इस पार्ट को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे गाइस। और जिसको अच्छा लगा ये पार्ट कि मैंने ब्रॉक को डिफीट कर दिया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस प्लीज़, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय।